हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एक नई सीरीज को लेकर, FCI AGM कंप्यूटर अवेयरनेस 5 डेज 5 मॉक टेस्ट पर। यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे, आज इसका डे नंबर 1। देखिए, इसके पीछे करवाने का मोटिव क्या है, अभी तक के सेशंस में आप लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर्स में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर में, ये देखा। उसके बाद एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की मैं सीरीज आप लोग के लिए लेकर आया, जहां पर आपको एक कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि हाँ, अब मैं क्वेश्चन सारे सही कर पाऊंगा। तो यही कॉन्फिडेंस मैं आपके अंदर लाना चाहता हूं कि आपको ये विश्वास हो जाए कि आप 20 में से 20 क्वेश्चन एग्जाम में सही कर पाएंगे, या इससे ज्यादा भी अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको सही कर पाएंगे। तो देखते हैं, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन आप सेशन एंड होने पर बिल्कुल मुझे बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया डे वाइज, और आपका मोटिव होना चाहिए कि हर दिन इम्प्रूव करना। अगर आपने किसी दिन 20 में से 15 स्कोर किया तो नेक्स्ट डे उससे ज़्यादा स्कोर करना है। इसी उम्मीद के साथ आप इस सेशन को देखिएगा, और यकीन मानिए दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल एज इट इज रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हम 5 डेज 5 मॉक में FCI के जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं उन सभी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम हो, उन सब के क्वेश्चंस को हमने कंपाइल कर लिया है और उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं 5 डेज 5 मॉक के फॉर्म में। क्लियर है? तो चलिए विदाउट फर्दर एडू शुरू करते हैं आज के सेशन को, और ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। अगर आपने कोई भी वीडियोस मिस कर दी हैं तो आपको सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी पिन मिल जाएंगे, वहां से भी आप किसी भी वीडियो पर जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन गाइस, What type of key are control and shift? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कीबोर्ड में कंट्रोल और शिफ्ट कीज दी होती हैं। ये कीज कैसी कीज हैं आपको बताना है। 3 फिंगर की, टॉगल की, मॉडिफायर कीज, फंक्शन कीज, या नन ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज कंट्रोल एंड शिफ्ट आर कॉल्ड एज मॉडिफायर की। 3 कीज ऐसी होती हैं जो मॉडिफायर कीज की कैटेगरी की होती है, कंट्रोल, ऑल्ट और शिफ्ट। ये तीनों आपकी मॉडिफायर कीज के पार्ट हैं, और मॉडिफायर कीज वो कीज होती हैं जो खुद ब खुद कोई काम नहीं करती, जो किसी दूसरी कीज के साथ में मिलकर काम करती हैं, वो मॉडिफायर होती हैं। जैसे कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स, किसी के साथ मिलकर काम करती हैं, शिफ्ट भी और ऑल्ट भी। 3 फिंगर की वो कीज होती हैं जो कंट्रोल, ऑल्ट और डिलीट के फॉर्म में जानी जाती हैं, और ये सिस्टम को रीस्टार्ट करने के लिए या टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए यूज की जाती है, कंट्रोल, ऑल्ट और डिलीट। टॉगल कीज वो कीज होती हैं जो जिनके लास्ट में लॉक लगा होता है, जैसे कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, और ये कीज विजुअली इंपेयर्ड पर्संस के लिए यूज की जाती है, जो देख नहीं सकते उनके लिए ये कीज साउंड प्रोड्यूस करती हैं, इसलिए इनको टॉगल कीज के नाम से जाना जाता है। अगला है फंक्शन कीज। फंक्शन कीज आप जानते हैं 12 या 13, यानी 12 और 13 हो सकती हैं, जैसे F1 से लेकर F12 तक 12 हो गई, और लैपटॉप में आपने देखा होगा एक FN की भी दी होती है, तो 13 भी हो सकती हैं, डिपेंड अपॉन दी ऑप्शन इसका सही आंसर हो सकता है। समझ गए यहां तक? अगला क्वेश्चन देखिए, नेम दी फास्टेस्ट मेमोरी। इनमें से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, सबसे फास्टेस्ट कौन सी है, कैशे, रजिस्टर, फ्लिप फ्लॉप, रैम या रोम। एंड दी करेक्ट आंसर इज रजिस्टर। सबसे फास्टेस्ट मेमोरी आपकी रजिस्टर होती है, उसके बाद कैशे, उसके बाद रैम, ये आपका सीक्वेंस होता है, और रजिस्टर मेमोरी आपकी CPU के अंदर होती है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछते हैं कि प्रोसेसर या CPU के अंदर कौन सी मेमोरी पाई जाती है या कौन सी मेमोरी होती है, विच मेमोरी लाइज इनसाइड द CPU। तो आंसर होगा आपका रजिस्टर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, Which one allows movement in all direction? कह रहा है इनमें से कौन सी ऐसी डिवाइस है जो किसी भी मूवमेंट में मूव कर सकती है, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है, ऐसी डिवाइस कौन सी है बताइएगा। माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल या नन ऑफ दीस। एंड द करेक्ट आंसर इज जॉयस्टिक। जॉयस्टिक किसी भी डायरेक्शन में मूव की जा सकती है, और ये एक इनपुट डिवाइस है, और साथ ही साथ इसमें 2 बटन लगे होते हैं जिनको ट्रिगर्स बोला जाता है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछते हैं
कि जॉयस्टिक में कितने बटन होते हैं, आंसर है 2 बटन, और उन बटन्स को क्या बोलते हैं, आंसर है ट्रिगर। क्लियर है? अगला देखिए, विच इज द हाईएस्ट रिलायबिलिटी टोपोलॉजी, उस टोपोलॉजी का नाम बताइए जिसमें रिलाय कर पाना, जिस पर रिलाय कर पाना या जिस पर विश्वास कर पाना बहुत आसानी से किया जा सकता है, पॉसिबल है। तो सबसे ज्यादा रिलायबिलिटी किसकी है, बस, स्टार, रिंग, ट्री या मैश, एंड द करेक्ट आंसर इज मैश टोपोलॉजी। सबसे बेस्ट टोपोलॉजी भी यही मानी जाती है, और सबसे विश्वास जिस पर किया जा सकता है वो भी है मैश टोपोलॉजी। अगला देखिए, विच इज यूज टू रिटर्न टू द फर्स्ट स्लाइड ड्यूरिंग द स्लाइड शो, कह रहा है कि पावर पॉइंट में जब हम स्लाइड शो करते हैं तो पहली स्लाइड पर आने के लिए हम किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करें। जैसे कि हम 5th क्वेश्चन पर हैं इस समय और हम चाहते हैं कि पहली वाली स्लाइड पर आ जाएं वापस, तो हम क्या करेंगे, 1+Enter करने पर ये काम किया जा सकता है। तो आंसर है 1+Enter। क्लियर है? फर्स्ट स्लाइड पर मूव करने के लिए। अगला, विच क्लास इज रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर यूज, ये क्वेश्चन आईपी एड्रेस से पूछा जा रहा है, नेटवर्किंग का क्वेश्चन है, और कह रहा है कि नेटवर्किंग की ये क्लास जो है वो फ्यूचर यूज के लिए यूज की जा रही है। तो देखिए, नेटवर्किंग में जो आईपी एड्रेस की क्लासेस होती हैं वो 5 होती हैं, क्लास ए, बी, सी, डी और ई, जहां पर ई क्लास आपकी फ्यूचर यूज के लिए या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यूज की जाती है। क्लास डी का इस्तेमाल होता है मल्टीकास्टिंग के लिए, तो ये दोनों याद रखिएगा, डी फॉर मल्टीकास्टिंग एंड ई फॉर फ्यूचर यूज या रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगला, नेम द इंडियन माइक्रो ब्लॉगिंग एंड सोशल नेटवर्किंग सर्विस, कह रहा है इंडिया की माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट या सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट का नाम बताइए। जैसे यूएसए की तो बहुत फेमस है ट्विटर, और ट्विटर आप जानते हैं कि कभी भी इंडिया से हटाई जा सकती है, काफी इसको लेकर विवाद भी हो रहा है, तो इसीलिए इंडिया ने बना दी है अपनी माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट, दैट इज कॉल्ड कू। बिल्कुल सही आंसर है 5th वन, दैट इज कू। माइक्रो ब्लॉगिंग का मतलब होता है जिसमें नंबर ऑफ करेक्टर्स कम टाइप हो, जिसमें एक लिमिटेड नंबर ऑफ करेक्टर्स को ही टाइप कर पाना पॉसिबल हो, दैट इज माइक्रो ब्लॉगिंग। जैसे ट्विटर के केस में आप देखते हैं वो यूएसए की माइक्रो ब्लॉगिंग है, और इंडिया की माइक्रो ब्लॉगिंग है कू, जिसमें मैक्सिमम 500 करेक्टर्स टाइप किए जा सकते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, तो ये है आपका कू का लोगो, मैस्कॉट ऑफ कू, है ना, येलो कलर की बर्ड यहां पर दिखाई दे रही है, दिस इज द मैस्कॉट ऑफ कू। नेक्स्ट, फाउंडर ऑफ ट्विटर, ट्विटर क्योंकि बहुत चर्चा में है लंबे समय से, तो आपको पता होना चाहिए कि ट्विटर के फाउंडर कौन है, जैक डोर्सी, केविन सिस्ट्रॉम, पावल ड्यूरोव, जैन कोयुम या ब्रायन एक्टन, एंड द करेक्ट आंसर इज गाइस जैक डोर्सी। जैक डोर्सी इज नोन एज द फाउंडर ऑफ ट्विटर, जबकि बाकी ऑप्शन भी आपको पता होने चाहिए कि केविन सिस्ट्रॉम जी कौन है, ये हैं आपके इंस्टाग्राम के फाउंडर, इंस्टाग्राम के फाउंडर जो फेसबुक की है केविन सिस्ट्रॉम, पावल ड्यूरोव ये हैं टेलीग्राम के फाउंडर, जैन कोयुम एंड ब्रायन एक्टन ये व्हाट्सएप के फाउंडर हैं। क्लियर है? नेक्स्ट वन, द एमडीबी एक्सटेंशन रिफर्स टू, कह रहा है एक फाइल है एमडीबी एक्सटेंशन की, ये कौन सी फाइल है, किसका एक्सटेंशन है एमडीबी, डॉट एमडीबी, एमडीबी की फुल फॉर्म होती है माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस। अब तो शायद समझ में आ गया आप लोगों को, वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस की जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन होता है .mdb, माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस। नेक्स्ट वन, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉमा ट्रांसलेटर आर, कह रहा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या ट्रांसलेटर्स हैं जैसे कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये किस तरीके के सॉफ्टवेयर में काउंट किए जाएंगे, एप्लीकेशन, यूटिलिटी, सिस्टम, हॉरिजेंटल या ऑल ऑफ दीस, एंड द करेक्ट आंसर इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम और ट्रांसलेटर के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता, सिस्टम को ऑन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, तभी आपका सिस्टम बूट हो पाएगा, और ट्रांसलेटर्स
ये मैंडेटरी होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम्स को बनाने के लिए, प्रोग्राम्स को कंपाइल करने के लिए, प्रोग्राम्स को रन करने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट वन, लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉइड इज, एंड्रॉइड की लेटेस्ट वर्जन का नाम बताइए। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम आप जानते होंगे मिस्टर एंडी रूबिन जी के द्वारा डेवलप किया गया है और इस समय गूगल का ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है ना। तो किस कंपनी का है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम? तो आंसर है गूगल का है। तो बताइए इसका लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? वेरी गुड गाइस, एंड द करेक्ट आंसर इज एंड्रॉइड 11, जिसको रेड वेलवेट केक के नाम से भी जानते हैं। एंड्रॉइड आर बोलते हैं और आर का मतलब है रेड वेलवेट केक। बहुत ही ज्यादा यमी केक है ना, ऑर्डर करके खाइएगा जरूर। विच प्रिंटर डज नॉट प्रोड्यूस कलर प्रिंट, कह रहा है ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो कलर प्रिंट आउट प्रोड्यूस नहीं कर सकता, और यही वो प्रिंटर है जो थर्मोक्रोमिक पेपर का इस्तेमाल करता है, यही वो प्रिंटर है जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन में इस्तेमाल होता है। बिल्कुल सही गाइस, एंड द करेक्ट आंसर इज थर्मल प्रिंटर। तो ये कलर प्रिंट आउट नहीं प्रोड्यूस कर सकता। वेरी गुड, अगला देखिए। लॉजिकल एड्रेस इज ऑल्सो कॉल्ड एस, कह रहा है लॉजिकल एड्रेस को किस नाम से जाना जाता है? तो नेटवर्किंग में एड्रेस होते हैं। लॉजिकल एड्रेस क्या है? मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस, स्टैटिक एड्रेस या डायनेमिक एड्रेस या लोकल एड्रेस। तो लॉजिकल एड्रेस को आईपी एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहें या लॉजिकल एड्रेस कहें, बात एक ही है। जबकि मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस के नाम से जाना जाता है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि फिजिकल एड्रेस इज ऑल्सो कॉल्ड एस, तो आप कहेंगे मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। अगला क्वेश्चन गाइस, पंच्ड कार्ड्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय, कह रहा है पंच्ड कार्ड किसके द्वारा बनाया गया, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? जेम्स रसल, रेनॉल्ड बी जॉनसन, हरमन होलरिथ, जॉन वॉन न्यूमैन या जैक किल्बी। तो क्या होगा इसका सही जवाब गाइस, बताइएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है इसका हरमन होलरिथ, क्योंकि पंच्ड कार्ड को होलरिथ कार्ड के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए यहां पर सही आंसर क्या होगा? हरमन होलरिथ होगा। और एक चीज और याद रखिएगा यहां पर, ये जो पंच्ड कार्ड है इसका इस्तेमाल बेसिकली किया जाता है आजकल के टाइम पर वोट्स को काउंट करने के लिए, है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि कई बार पूछ चुके हैं कि वोट को काउंट करने के लिए काउंटिंग पर्पस से किसका इस्तेमाल करते हैं। तो होलरिथ कार्ड भी सही जवाब है और पंच्ड कार्ड भी आपका सही जवाब है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, इट इज अप्रोक्सीमेटली अ मिलियन बाइट, ये 1 मिलियन बाइट के बराबर है, आंसर क्या होगा बताइएगा? गीगाबाइट, टेराबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट या पेटाबाइट। टेराबाइट दो बार दे दिया है, कोई बात नहीं, आंसर बताइए। वेरी गुड, मिलियन बाइट इज इक्वल्स टू मेगाबाइट, यानी 1 मिलियन बाइट बोलें या मेगाबाइट बोलें, बात एक ही है। तो आंसर क्या होगा? मेगाबाइट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, इट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग ऑल द स्कैटर्ड फाइल्स एंड फोल्डर्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कह रहा है ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू सारी बिखरी हुई फाइल्स को एक साथ कलेक्ट किया जा सकता है। तो ये सॉफ्टवेयर कौन सा है? फ्रेगमेंटेशन, डीफ्रेगमेंटेशन, डिस्क क्लीनअप, डिस्क चेक या ऑल ऑफ दीज। और ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है और इसका नाम है डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन। इसके थ्रू यूज्ड फाइल को एक तरफ और अनयूज्ड फाइल को, यानी अनयूज्ड स्पेस को एक तरफ किया जा सकता है। तो जितनी स्पेस यूज हो चुकी है उसको एक तरफ कर देता है और जितनी स्पेस अनयूज्ड है उसको एक तरफ कर देता है। तो डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन या डिस्क डीफ्रेगमेंटर इसका नाम है, समझ गए। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेमोरी दैट द कंप्यूटर यूजेस टू प्रोसेस डेटा इज, कह रहा है कॉमन टाइप की मेमोरी है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है चीजों को प्रोसेस करने के लिए। रैम, रोम, कैशे, रजिस्टर या बफर। इसका साइज अगर ज्यादा होगा तो आपकी एप्लीकेशन हैंग नहीं होगी, आपका मोबाइल फोन हैंग नहीं होगा। तो किसका साइज ज्यादा होना चाहिए?
वेरी गुड। रैम का साइज यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसी का इस्तेमाल करते हैं प्रोसेस के लिए। क्लियर है गाइस? अगला क्वेश्चन बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी, इनमें से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा है, इसका सही एग्जाम्पल आपको बताना है। एंटीवायरस, वर्ल्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा रिकवरी या ऑल ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज एंटीवायरस। एंटीवायरस आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में काउंट करते हैं, या अभी मैंने आपको बताया था डिस्क डीफ्रेगमेंटर, वो भी यूटिलिटी है। अब आप पूछेंगे कि सर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता कौन सा है, वो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम की परफॉर्मेंस या स्पीड को बढ़ाने में मदद करते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर को यूटिलिटी बोलते हैं। अब अगर एंटीवायरस सिस्टम पर होगा तो क्या वायरस का अटैक हो सकता है? आंसर है पॉसिबिलिटी बहुत कम है, मिनिमाइज किया जा सकता है इसको। और अगर वायरस का अटैक नहीं होगा तो आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, एब्सोल्यूटली होगी। तो यानी एंटीवायरस क्या हो गया? यूटिलिटी हो गया। क्लियर है? अगला देखिए। फ्लैश मेमोरी इज, फ्लैश मेमोरी वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल है, टेम्परेरी है, बफर है या नन ऑफ दीज है। तो फ्लैश मेमोरी का मतलब होता है जैसे आपकी पेन ड्राइव फ्लैश मेमोरी है, आपका जो मेमोरी कार्ड होता है मोबाइल में उसे भी हम फ्लैश मेमोरी बोलते हैं, या ईईपी रोम भी इसको हम बोल सकते हैं। तो फ्लैश मेमोरी का कॉन्सेप्ट बेहद इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और फ्लैश मेमोरी आपकी परमानेंट मेमोरी होती है जिसको नॉन वोलाटाइल मेमोरी बोला जाता है। तो आंसर यहां पर क्या होगा? परमानेंट भी सही होगा और नॉन वोलाटाइल भी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मैनी टाइम्स पर सेकेंड। कह रहा है इनमें से ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसको मैक्सिमम टाइम रिफ्रेश किया जा सकता है, ईपी रोम, रोम, एस रैम, डी रैम या ऑल ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज डी रैम। डायनेमिक रैम एक ऐसी मेमोरी है जिसको कई बार रिफ्रेश किया जा सकता है। तो आंसर यहां बनेगा गाइस डी रैम बिल्कुल सही है, जबकि स्टैटिक रैम का इस्तेमाल हम लोग कैश मेमोरी को बनाने के लिए करते हैं। तो यहां पर आंसर होगा डायनेमिक रैम। और जो हमारे कंप्यूटर में जो रैम होती है, या जो हमारे आप कह सकते हैं लैपटॉप्स में जो रैम होती है, वो रैम आपकी कौन सी होती है? डायनेमिक रैम होती है। समझ में आ गया? और जिस रैम की मदद से हम लोग कैश मेमोरी को बनाते हैं वो आपकी स्टैटिक रैम होती है। जैसे अगर आप मार्केट में अपने लैपटॉप के लिए रैम लेने जाएंगे तो वो DDR1, DDR2, DDR3 इस तरीके से आपको मिलेंगी। DDR का मतलब होता है डबल डेटा रेट, और ये आपकी डायनेमिक रैम के ही एग्जाम्पल्स हैं। तो आई होप सो कि आप यहाँ पर मैक्सिमम स्कोर कर पाए होंगे। आपका स्कोर आज के मॉक टेस्ट में कितना रहा बिल्कुल मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और डेली 5 सेशन में आपका स्कोर कितना इंप्रूव हो रहा है, क्या कॉन्फिडेंस आपका अभी तक बिल्डअप हुआ, ये भी मुझे आप बताइएगा। बाकी जितने भी सेशन हो चुके हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएंगे, वहां से जाकर आप इम्पोर्टेंट वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही वीडियोस के लिए। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, थैंक यू वेरी मच।